बहुत ज्यादा बारिश हुई है गाइस, इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पेड़ तक गिर गए हैं। और उधर कुकरेल साइड में, क्योंकि वही रोड से मेरे को जाना होता है खुर्रम नगर, वहाँ पर इतना बड़ा पेड़ गिर गया वहाँ इतना बड़ा पेड़ गिर गया है। तो अब मैं जा रही हूँ मुंशी पुलिया की तरफ से, और पूरे पूरे पेड़ गिर गए हैं। समझ रहे हो बात को ये मेरा हाई कोर्ट है गाइस, ये मेरा हाई कोर्ट है। मतलब एक साल मैंने यहाँ प्रैक्टिस की है और बहुत मज़ा आया यहाँ प्रैक्टिस करने में। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं यहाँ पे, चाहे वो यहाँ के प्रेसिडेंट हो या कुछ कोई भी हो। एक्चुअल में हम कहीं भी जाते हैं हमारी पहचान बनी जाती है, पता नहीं क्या अल्लाह ने हमें वो दिया है, क्या बताएं। मतलब अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है मेरे पे कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाते हैं हम तो मेरी पहचान बन जाती है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ तो भी मेरी पहचान बन जाती है। वो 30 मार खान नहीं है, 30 मार खान वैसे ही मेरा हाल है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ मेरे अंदर, मतलब एज अ नॉर्मल गर्ल जैसे मैं हूँ वैसे ही हूँ, जैसे नॉर्मल लड़कियाँ होती हैं वैसे ही हूँ। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर कुछ ना कुछ खासियत है, मेरे नेचर में, मेरे बात करने के स्टाइल में, कि मुझे सब पहचानने लग जाते हैं। तो अभी बर्थडे में भी मेरे उन्होंने विश किया मेरी वॉल पे। उनका नाम LP मिश्रा, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने मुझे विश किया। तो मतलब मीन्स अ लॉट टू मी कि मतलब अभी इतने साल भी हो गए हैं मुझे छोड़े हुए, बट देन ऑल्सो दे रिमेंबर मी। सो या, और क्या बताने जा रही थी, हाँ, तो मैं प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ, मैंने LLM भी कर लिया है, मैं चाह रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस करूँ। बट शाहनवाज नहीं करने दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि नहीं, क्या ज़रूरत है, जब हम सब कर रहे हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, एटलीस्ट समवन शुड बी देयर एट होम। तो मैंने कहा फिर, मतलब दोनों वर्किंग होने लगते हैं तो मतलब घर का ध्यान नहीं हो पाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने बोला है कि तुम रहने दो। मैंने कहा ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। तो ये देख, बहुत प्यारा व्यू है ना, इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। गुड गुड गुड, यहाँ हम आ गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। एक्चुअल में ये रास्ता लंबा पड़ता है इसीलिए मैं इस रास्ते से कभी नहीं आती हूँ। आती थी जब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करती थी तब आती थी इस रास्ते। सुबह से ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके वजह से आज पूरे घर में बहुत कीचड़ हो गया है और बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, क्योंकि हमारे जो अब्बा जी हैं वो बाहर जाते हैं और वो अंदर आते हैं, तो सारी बाहर की जो चप्पलें हैं वो अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत गंदगी हो जाती है। उनसे बहुत बोलते हैं बट वो भूल जाते हैं बार बार, ट्राई करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं वो करने की, बट नहीं हो पाता है उनसे, तो उसके वजह से भी, प्लस बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई है तो उसके वजह से ही बहुत गंदगी हो गई है। तो अभी पूरे घर में धुलाई हो रही है और मेरा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है, और पूरे घर में धुलाई और पूरे घर में सफाई हो रही है आज। बेटा इसके नीचे से ले लिया, डाइनिंग टेबल के नीचे से। चने रखे हैं, क्या रखा है, छोला तो गाइस, जब से हमारे घर में ऊपर काम चल रहा है, ऊपर पानी इतना मलबा जमा हो गया था कि पानी वहीं पर ठहर गया था, और इन लोग ने ये वाली नाली बंद कर दी थी जो मैंने अभी जूम करके दिखाई थी, जिसके वजह से नीचे जो है वो पानी टपक रहा है। तो मैं वही सही करवाने आई थी कि यहाँ से पानी निकालो,
ये देखें यहाँ से टपक रहा है और ये इस तरह से। अब सफाई हो गई है, फाइनली थोड़ा सुकून मिला और अब सब अच्छा भी लग रहा है। जब धुलाई हो जाती है तो अच्छा लग नहीं लगता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तहरी, और तहरी में क्योंकि बहुत दिनों से तहरी खाई भी नहीं थी और खाने का दिल भी हो रहा था क्योंकि बहुत थक गए थे और एक भी बज रहा था तो खाने का टाइम है, तो मैंने सोचा तहरी ही बना लेते हैं। सो या क्यों दिया जाता है और सदक़े की क्या क्या फजीलतें हैं मैं आज आपको बताऊंगी। तो सदक़ा देना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप सदक़ा देते हैं तो आपकी जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी गुनाह हैं, गुनाह तो ऐसे मिटते हैं जैसे पानी आग को बुझाता है, वैसे ही आपका जो सदक़ा जो आप देंगे वैसे ही आपके गुनाह मिट जाएंगे। इस तरह से अल्लाह पाक ने इसका वो दिया है। और आपकी जितनी मुसीबतें, आपकी जान पे अगर कोई चीज़ आने वाली होगी तो सदका वो चीज़ टाल देता है। तो भले ही सुबह उठ के भले ही आप 10 रुपये दे दें, 1 रुपये दे दें, 2 रुपये दे दें, मगर सुबह शुरुआत अपनी सदका देने से करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ आजमाई है और अपनाई है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसका फ़ायदा आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और रोज़ाना करिए, रोज़ाना, ये नहीं कि आप जितना जितना रोज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। चाहे आप सफ़र में जा रहे हैं, 1-2 रुपये निकाल के दे दिए, 10 रुपये निकाल के, जितनी आपकी मर्ज़ी हो, जितनी भी आपकी मर्ज़ी हो, 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, मगर कम से कम हम बता रहे हैं 2 रुपये भी दे सकते हैं, बस नीयत आपकी सदक़े की होनी चाहिए। तो इससे आपके सारे जितने भी दुख हैं, अगर आपकी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आप बहुत तकलीफ़ में हैं तो भी आप सदका दे दीजिए, इंशाल्लाह आपकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और ये इसको अपनी डेली एक आदत में बना लीजिए कि ये हमको करना ही है, सुबह पैसा तो निकाल के रख देना है, दे देना है, ठीक है। तो ये आज जुम्मा था तो मैं सोचा आज क्या बताऊँ, तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ। खैर मेरी घर की सफाई हो गई है, मैंने नमाज़ भी अदा कर ली है, अब मैं जा रही हूँ तहरी खाने, मेरी भूख बहुत तेज़ लग रही है। हालांकि आई एम ऑन डाइटिंग बट देन ऑल्सो मैं खाऊंगी तहरी, इज़ माय फेवरेट। और मैं आज थक भी गई हूँ, पानी आ गया मुँह में, तो आज बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। एक्चुअली जब घर में काम होता है ना तो इसी तरह थकावट हो जाती है, ऊपर का सब देख ही रहते आप कैसे पानी आनी आ रहा है घर के अंदर। सो गोइंग टू ईट तहरी। डोसा खाएंगे, क्या खाएंगे? अरे हम कुछ खा रहे हैं, हम अकेले बना, घर मंगवा लें या चल के खाएंगे? आपको कॉल करूं? कर रही हूं।
भूल गई, दो मसाला डोसा। अरे भाई।